जय गुरु। चलिए आज केष्टोदा के साथ हुए एक घटना की कैसे श्री श्री ठाकुर जी सर्वव्यापी है उसके बारे में आलोचना करेंगे। श्री श्री ठाकुर श्रद्धेय केष्टोदा को ब्रेन सेल्स की मेंटो मॉलिकुलर अरेंजमेंट के संबंध में बता रहे थे। बातचीत के दौरान श्री श्री ठाकुर अचानक अन्यमनस्क होकर चुप हो गए। ऐसा लग रहा था मानो उनका शरीर सिर्फ वहाँ पर है पर मन कहीं दूसरी जगह है। कुछ समय तक इस तरह अन्यमनस्क रहने के बाद फिर श्री श्री ठाकुर अपने स्वाभाविक अवस्था में लौट आए। केष्टोदा श्री श्री ठाकुर का ऐसा रूप दर्शन करके विस्मित हो गए। केष्टोदा जानना चाहे, ठाकुर आप बात करते करते अचानक ऐसा अन्यमनस्क क्यों हो गए थे? श्री श्री ठाकुर माधुर्य मुस्कान लेते हुए बोले, आज एक भयंकर कांड होने वाला था। एक सुंदरी विधवा माँ अकेले घर में थी। एक दुश्चरित व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। सारा रात उसके घर के पीछे जंगल में छुपकर विधवा माँ का इंतजार कर रहा था। रात में लगातार बारिश हो रही थी। विधवा माँ शौच करने के लिए बाहर निकलते ही वो शैतान उस माँ को पकड़कर खींचते हुए दूर ले जा रहा था। उसका फ्रेंच कट, अधापक दाढ़ी था, आँखों पर स्वर्णिम फ्रेम का चश्मा था। विधवा माँ व्याकुल स्वर में चिल्ला रही थी, कोई है मुझे बचाओ। मैं तुरंत वहाँ पर दौड़ता हुआ पहुँचा। मुझे देखकर शैतान डर के मारे भाग गया। स्वर्णिम फ्रेम का चश्मा का एक भाग टूटकर नीचे गिर गया था। उसके शरीर पर एक सिल्क का चादर था। झाड़ी के कांड में सिल्क के चादर का टुकड़ा फंसकर झूल रहा था। भागने के दौरान एक पैर का जूता भी कीचड़ में फंसकर छूट गया था। आश्चर्यजनक होकर केष्टोदा सुन रहे थे। द्वितीय शरीर धारण करके विपन्न को बचाने के लिए ऐसा अद्भुत प्रचेष्टा श्री श्री ठाकुर के द्वारा ही संभव है। केष्टोदा विज्ञान के छात्र है, इसलिए सब कुछ को वे एक वैज्ञानिक ढंग में समझाना चाहते हैं। इसलिए श्री श्री ठाकुर से पूछे, इस वर्ल्ड का सभी इवेंट्स क्या आपकी नज़र के सामने होते हैं? क्या यह संभव है क्योंकि एक ही समय में बहुत संख्या में इवेंट्स हो रहे हैं, तो आपकी नज़र में यह रहना कैसे संभव है? श्री श्री ठाकुर बोले, कोई इवेंट्स साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है। एक इवेंट के स्टैग्नेंस पीरियड में और एक इवेंट का एक्सपेंशन होता है। इसी तरह इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड घटित हो रहा है जो हम लोग की दृष्टि में साइमल्टेनियस ऐसा लगता है, लेकिन वैसा होता नहीं है। केष्टोदा फिर पूछे, यदि ऐसा ही हो रहा है तो विश्व की हर एक घटना आपकी जानकारी में है, तब विशेष करके एक समय द्वितीय शरीर धारण करने की जरूरत है क्या? श्री श्री ठाकुर एक सहज उदाहरण देकर समझाते हुए बोले, मान लीजिए आप और मैं एक ट्रेन के खिड़की के पास बैठकर बातें कर रहे हैं और साथ ही साथ बाहर का दृश्य भी देख रहे हैं। अचानक रेलवे लाइन के किनारे एक घर में आग लगी दिखाई दिया। उस समय लेकिन हम लोग का पूरा ध्यान उधर आकर्षित होकर बातचीत बंद हो जाती है। इसी तरह इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करता है। जय गुरु।